नमस्कार, दिस इज़ नफी खान। आज आप दोस्तों के बीच फिर से रूबरू हुआ हूँ और कुछ बातें नई पुरानी कहनी है आप सबके सामने और कुछ अंदाज़े बयां करना है, कुछ नया जो हो रहा है ज़िंदगी में वो सब आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए आपके सामने फिर से आया हूँ। सफ़र तो काफ़ी जैसे कि एक स्ट्रगलिंग लाइफ में होता है जब आदमी का पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। और जहाँ तक मेरे शौक़ की बात है तो बचपन से ही मुझे शौक़ था, फिल्में देखता था काफ़ी उत्साह से और काफ़ी मतलब मन लगा के यार, बट ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए, थिएटर्स वगैरह किया, फिर मॉडलिंग, ये वो सब, धीरे धीरे इंटरेस्ट इस तरफ रुझान होता गया। और कुछ चीज़ें होती है ना कि जहाँ खाने पे, मतलब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का ना, वो हिसाब से अल्लाह ने इस रास्ते पे फेंक दिया कि चलो भाई ये तुम्हारे लिए ठीक है, तो बस चलते गए और रास्ता बनता गया, कारवा बनता गया। मेरी फिल्म, काफ़ी सारी फिल्में की हैं मैंने, 6-7-8 फिल्में की हैं जिसमें से रिलीज़ हो गई हैं कुछ। और काफ़ी चर्चा में फिल्म थी मेरी अहिंसा, जो कि गाय हत्या के ऊपर फिल्म थी। आज काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हमने दिखाई थी और काफ़ी अच्छा टॉपिक था। और उसमें हमने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया लोगों से कि भाई एक्चुअली गाय हत्या होती क्यों है, करता कौन है और ये किस लिए की जाती है। बस धर्म के नाम पे बांटना करना, ये सब पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। काफ़ी चर्चा में रही फिल्म और काफ़ी अच्छा क्रिटिक भी मिला उसको और काफ़ी उम्मीद थी हमें। और बाकी अभी जो आने वाली फिल्म है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक्चुअली एक थिएटर का परफॉर्मेंस और एक कैमरे के सामने बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग होता है। और क्योंकि वहाँ एक लाइव वो भी एक डिफरेंट है, आपको वहाँ एक अलग एनर्जी चाहिए होती है काम के लिए और कैमरे के सामने एक अलग एनर्जी चाहिए होती है, तो दोनों का एक अलग है। लेकिन थिएटर करने के बाद मुझे कैमरे के सामने एक्टिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहा, काफ़ी हेल्प रही मुझे आगे अपने कैरेक्टर में काम करने के लिए, कैरेक्टर में जान डालने के लिए और उसमें एक इंटरेस्ट से काम करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा मज़ा आया और काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए थिएटर। और मैं तो सभी से कहूँगा कि अगर आपको कैमरे के सामने एक्ट करना है तो अपना थिएटर या एक्टिंग सीख कर ही करें, सीख कर ही कुछ आगे बढ़े, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि जब भी आप कहीं भी जंग पे जाते हैं तो हथियार साथ में होना चाहिए, तो एक्टर की लाइफ के लिए, एक्टर बनने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। मराठी फिल्म जो मुझे मिली थी वो मेरा काम देखकर मुझे मिली थी और मराठी उतना फ्लुएंटली मेरा नहीं था, बट फिर भी मैंने कोशिश और अच्छे से मेहनत करके उसको काम को अंजाम दिया और काफ़ी तारीफ भी हुई थी फिल्म की, मैंने एज ए नेगेटिव हीरो किया था उसमें। और आज जहाँ तक बात करें कि मैं अगर मजा हुआ खुद को, तो मैं कभी अपने आप को नहीं समझ पाता हूँ या मैं अभी वो समझूंगा भी नहीं। मेरे लिए हर एक फिल्म होती है डेब्यू फिल्म, हर एक फिल्म मेरी पहली है, तो मैं कभी भी खुद को ये नहीं मान सकता कि मैं एक परफेक्ट एक्टर बन गया हूँ या मंझा हुआ कलाकार हो गया हूँ। मेरे लिए तो हर चीज़ सीखने के लिए डेली सीखना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिल्म में कहीं भी जाके किसी ना किसी से सेट पे मिलके कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं कभी अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता और ना सोचता हूँ और ना उस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, बस एक काम है उसको अच्छे से अंजाम देना है और दिल से अंजाम देना है ये सोचता हूँ। कोशिश खून तो कभी कभी काफ़ी खोलता है जब गलत होते हुए देखते हैं यहाँ वहाँ और सोचते हैं कि यार क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए या ऐसा हो तो। लेकिन चूंकि बॉलीवुड से हैं, ज़रा आप आजकल वैसे ही देखते हैं आप भक्तगण, कभी कुछ, कभी कोई अपोजिट होता है, कोई साथ होता है, आपके पता नहीं होता है तो कब कौन कहाँ मेरे पे अटैक कर दे। अगर किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी करियर, जो मेरी लाइफ है, जो मेरा सपना है, जो मेरी माँ का सपना है, जो मेरी फैमिली का सपना है, वो अधूरा रह जाएगा। इसके लिए मैं पॉलिटिकल में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वन डे पॉलिटिक्स में अगर कुछ अच्छा करना को मिलेगा तो ज़रूर करूँगा और ईमानदारी से करूँगा, क्योंकि ईमानदार लोग बहुत कम हैं पॉलिटिक्स में। अगर सभी ईमानदार हो जाएं तो देश का बहुत भला हो जाएगा। नहीं, बॉलीवुड में अभी कहाँ करियर बना है यार, करियर तो अभी स्टार्ट हुआ है, मैंने तो स्टार्ट किया है अभी, बाकी तो अभी चलना बहुत बाकी है। पॉलिटिकल तो बाद में सोचेंगे, बट ये है कि मैं अच्छे लोगों को सपोर्ट ज़रूर करूँगा और जो भी अच्छे पॉलिटिकल लोग हैं उनको डेफिनेटली सपोर्ट करूँगा और सबसे गुजारिश भी करूँगा कि अच्छे काम करें, मिलके रहें, एक होकर रहें, क्योंकि एकता में ही सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा आजकल कितने यहाँ वहाँ फसाद, कभी किसी चीज़ पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ लोगों को कि आप बताइए, अगर एक मुसलमान ही राष्ट्र होता, मुस्लिम ही होता, मुस्लिम ही होने से तरक्की होती तो पाकिस्तान आज कहाँ से कहाँ होता। और अगर एक हिंदू सिर्फ राष्ट्र होता, हिंदू रहने से तरक्की होती तो नेपाल है, नेपाल कहाँ से कहाँ हो जाता अगर सिर्फ हिंदू राष्ट्र होता। हिंदू अगर सब कुछ है तो भैया हम हिंदुस्तान में रहते हैं यार, मिलके रहने में ही तरक्की है, मिलके रहने में ही आगे सब कुछ है। ये मेरी माँ मुझे कहती है, मुझे बताती है, तो मैं हमेशा सोचता था यार ये कैसे मैं कहाँ कहूँ, कैसे लोगों को समझाऊँ, बट नॉर्मल लोगों को कहाँ समझ में आता है। खैर, बस मेरा तो यही एक संदेश है, मोहब्बत से रहें, अच्छे से रहें और यही कहना चाहता हूँ। और बाकी आने वाली फिल्में हैं उनके बारे में बताऊँगा आपसे कि अभी जो फिल्में हैं मेरी रिलीज़ पे हैं,
तेरी फितरत, ओनली फॉर यू, पॉइजन, धमाल पे धमाल एंड अनफ्रेंड, जो कि अभी अनफ्रेंड और तेरी फितरत जल्दी रिलीजिंग पे है, कंप्लीट हो गई है लगभग प्रोसेस उसका, सेंसर प्रोसेस चल रहा है और पब्लिसिटी स्टार्ट होगी। बाकी दुआ कीजिए, इंशाल्लाह इस फिल्म में जल्दी आप तक पहुंचेंगे, ज़रूर देखिएगा। सपना तो पूरा नहीं हुआ जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी माँ चाहती है। मेरी माँ, मेरी जो फैमिली है, मेरी माँ है, डैडी है, डैडी मेरे डॉक्टर हैं और अभी आजकल नेपाल में हैं वो, और मेरी माँ है, सोशल वर्क करती है, सोशल काफ़ी लोगों को हेल्प भी करती है, काफ़ी लोगों के लिए काम भी करती है। वो तो ऐसे काम करती है कि इस हाथ से इस हाथ को पता नहीं चलता। और उस उनका मेरी माँ का नाम है आभा अनुपमा, और काफ़ी चर्चित हैं नेपाल में भी, काफ़ी लोगों को सब काफ़ी कुछ किया है। उनके जो सपने मेरे से जुड़े हैं वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा उनके सपने हैं, मतलब उनसे मुझसे ज़्यादा उनकी चाहत है कि मैं एक बहुत बड़ा स्टार बनूं, और जिस मुकाम पर वो मुझे देखना चाहती है वो मुकाम मुझे नहीं लगता कि मैं अभी पहुँचा हूँ, और डेफिनेटली उस मुकाम तक पहुँचने की तमन्ना है, जाना है, क्योंकि उनकी दुआओं का साथ है मेरे साथ और मेरे अंदर हिम्मत है, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह वनडे में उस मुकाम पर ज़रूर पहुँचूँगा। क्या है ना ब्रदर, कि ज़िंदगी में जब नॉर्मली आजकल जैसे मैं देखता हूँ, बहुत सी जगह जाता हूँ, कहीं ऑडिशन हो रहा होता है या किसी मीटिंग में, तो पता लगता है कि बिल्कुल नए नए आए हैं, बिल्कुल किसी ने बोल दिया कि भैया तुम एक्टर बन सकते हो, तुम हीरोइन बन सकते हो, तुम हीरो बन सकते हो, लोग पहुँच जाते हैं। पता नहीं होता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, या एक्टिंग को आगे या कैमरे के सामने कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कोशिश करके अच्छा कुछ करना चाहिए, वो सब सीखते ही नहीं है। वो सीधा लिया, सडनली कूद गए तो यार डूबने के अलावा और क्या बताएगा। नदी में कूदना है तो पहले तैरना तो सीखो। तो उसी तरीके से लोग देखता हूँ बहुत टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, और बहुत स्ट्रगल है, मेहनत है। जब तक आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा भटकना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको ये लाइन में आना है तो सही गाइडेंस से आइए और सही लोगों से मिलिए, तभी आपके लिए एक प्लेटफॉर्म ईजी होता जाएगा। अभी जो जहाँ तक मेरा फिल्म है, एक मेरी पर्सनालिटी को रिलेटेड मैं करना चाहता हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो मेरी पर्सनालिटी, मेरे फेस को सूट करे। एक्शन फिल्म में ज़्यादा करना चाहता हूँ और सभी किस्म के फिल्में करना चाहता हूँ, कोई भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, नेपाली हो, हॉलीवुड की हो, इंग्लिश हो, कोई भी फिल्में, सभी लैंग्वेज में काम करने के लिए मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ और करना चाहता हूँ और कर सकता हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंशाल्लाह एक अच्छी फिल्में जो कि एक समाज के लिए एक अच्छा आईना हो, उस तरह की फिल्में भी करना चाहता हूँ और अच्छा एक मैसेज दे सकूँ ऑडियंस को, वो सब करना चाहता हूँ। बाकी इंशाल्लाह देखिए जैसे जैसे ऑफर्स होंगे और जैसे ही होंगे वो सारे बड़े स्टार के साथ जितने भी हैं अभी जो चल रहे हैं उनके साथ भी काम करना चाहता हूँ। अल्लाह मौका देगा इंशाल्लाह तो उनके सबके साथ काम करूँगा। मैं बेसिकली भोपाल से, मैंने एजुकेशन और सारा कुछ किया हुआ है, एजुकेशन पढ़ाई सारा भोपाल से किया था, भोपाल MP। उसके बाद फिर काफ़ी वक्त से मैं मुंबई में हूँ, यहीं सेटल हूँ। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आपका प्यार इसने यूँ ही बरसाते रहें, हमेशा मेरी फिल्में देखते रहें, और आपका प्यार ही बहुत ज़रूरी है, और जल्दी आपसे फिर से रूबरू होंगे और आपकी दुआएं हमेशा देते रहें।